और शंकर मनाएगा। अब हमको बताइए ना भैया, दो दिन आप वीकेंड डे लॉकडाउन लगा दिए शनिवार रविवार को, जो लोग कमाता वही उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। लोग हमको समझ में नहीं आता, मैं बार बार कहता हूँ इस बात को कि सरकार गंभीर कहाँ है। सरकार तो गंभीर है इस पांच विधानसभा के चुनाव में, उसकी मार्केटिंग कर रहा है, उसके लेकर के एक तरफ पूरा देश में है। अब पंजाब को बदनाम करने में लग गए थे, सारी चीज़ें बीजेपी के लोग आपके नज़दीक खड़े थे, वो पहुंचा आपके नज़दीक, एक भी किसान नहीं थे। उसी दिन चन्नी का भी चीखा, उस दिन प्रोग्राम था, वो उसी रास्ते से क्रॉस किए, वो रुके किसान से मिले, बोला कि आपको जो प्रॉब्लम है आइए हम सॉल्व करेंगे। आपका ना प्रोग्राम था, आप सारी चीज़ें को आप डाइवर्ट कर दिए। कोरोना या मेरा इसमें दो बात है, यदि सही माने में कोरोना में लोग मर रहे हैं तो उसका पोस्टमार्टम क्या हम डिमांड करते हैं किसी भी कीमत पर। और सीसीटीवी कैमरा बाहर तक उसके पेशेंट को देखना चाहिए कि कोरोना है, क्या इलाज हो रहा है, और मर रहा है तो सीसीटीवी कैमरा में दिखना चाहिए। डॉक्टर होते नहीं हैं इनके, है ना, एनएमसीएच में डॉक्टर है, सारा बीमारी को रोक दिया है, तो अब सिर्फ कोरोना है, कोरोना में जो मरेगा कोरोना में मर जाएगा, इसके पहले जो बीमारी थी वो गायब हो गई, अब फिर कोरोना के बाद बीमारी आ जाएगी, अब फिर कोरोना के बीच गायब हो जाएगी। IGMS से लेकर सभी जगह आप अन पेशेंट को लेना बंद कर दिए, ऑपरेशन करना बंद कर दिया, डॉक्टर है ही नहीं कहीं, डॉक्टर को कोई देखता तक नहीं है, डॉक्टर जाता तक नहीं है, कहीं मुलाकात तक नहीं होती है। भैया आप पहले कोरोना में जो मरेंगे या जो मर रहे हैं उसका आप पहले ये गारंटी दीजिए कि उसका पोस्टमार्टम होगा। पोस्टमार्टम नहीं होगा तो उसको आप कोरोना नहीं कह सकते किसी भी कीमत, उसकी जाँच मैं चाहता हूँ। एक दूसरी चीज़, सीसीटीवी कैमरा मैं चाहता हूँ बाहर से लेकर भीतर तक, जिसके पेशेंट हैं वो भी देखें और बाहर भी देखें। तीसरी चीज़, डॉक्टर को सुनिश्चित करिए आप। चौथी चीज़, या पांच स्टेट में राजनीति छोड़ करके यदि सही माने में कोरोना है तो आप डोज की और इसकी बात करते हैं, मुझको समझ में नहीं आता है कि आप 15 से 18 के लिए बाप 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 कर रहे हैं, जो पहले तो बीच में कहाँ गायब हो गए थे आप। हर चीज़ों जितनी सरकार की नीति है बिल्कुल गलत है। मैं बार बार जो कहता हूँ कि जांच, अब खांसी दम सर्दी अच्छी कहेगा उसके लिए भी हम जांच करने चले जाएं। अगले बार आपने 28 से नीचे का मानक रखा था तो पॉजिटिव, इस बार आपने 38 और 34 के बीच में कर दिया, तो सबको पॉजिटिव आप करना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं सर। दूसरी तरफ हमको एक बात भी समझाइए ना कि मास्क से और सैनिटाइजर से कोरोना कैसे गायब होता है। अच्छा, 11 से 5 हम सुतले रहते हैं, कर्फ्यू लग जाता है, 11 से 5 क्या ट्रैफिक कोरोना के लिए नहीं है, वो फुल फ्री दे दिए हैं आप, ट्रैफिक नहीं होना चाहिए। दिन में आप सारे कार्यक्रम को करते हैं, एक तरफ से पूरा उत्तर प्रदेश कार्यक्रम से भरा हुआ है, पंजाब है, उत्तराखंड, हम अभी उत्तराखंड से आ रहे हैं, परसों गए थे, और जब हम NMCH गए थे तो NMCH में डॉक्टर नहीं था, अभी हम IGMS में जा रहे हैं, 4 ऑपरेशन करने वाले लोग वहाँ पर खड़े हैं 5 दिनों से, आप ऑपरेशन नहीं करते हैं, उसको भी मार दीजिएगा। तो सारी बीमारियों को मार के आप कोरोना के नाम पर आप खेलते रहिए और बाजारवाद करते रहिए, मार्केटिंग करते रहिए, ड्रग्स को और मेडिकल सिस्टम को भेजते रहिए, तो इसका तो हम विरोध करते हैं भाई। लॉकडाउन का तो हम विरोध करेंगे, किसी मिडिल क्लास और आम आदमी की जिंदगी तबाह करने की इजाजत किसी सरकार को नहीं मिलनी चाहिए। इस न्यूज के प्रस्तुत करता है सिटी सेंटर द कंप्लीट मल्टी ब्रांड मेंस वेयर शोरूम सुभाष चौक दरभंगा। ली एक्सक्लूसिव शोरूम सुभाष चौक और दैनिक ओमी तंजीम न्यूज पेपर दरभंगा।